नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस, मैं ब्रजेश। और शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से, यानी कि ब्रिक्स, जिसका शिखर सम्मेलन में भारत की कूटनीति को बड़ी कामयाबी मिली है। गोवा घोषणा पत्र में आतंकवाद को प्रमुखता से जगह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि सभी सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद और अतिवाद रीजनल और ग्लोबल आर्थिक प्रगति की राह में बाधा है। उन्होंने कहा कि सभी इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद की तरह ही उसे पैदा करने वाले, पनाह देने वाले, समर्थन करने वाले और स्पॉन्सर करने वाले भी खतरनाक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि घोषणा पत्र में ग्लोबल इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए फोकस बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। वी वेर यूनानिमस इन रिकॉग्नाइजिंग द थ्रेट दैट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलाइजेशन प्रेजेंट नॉट जस्ट टू रीजनल and global peace stability and economic prosperity, but also to our society, our way of life and humanity as a whole. We are also one in agreeing that BRICS need to work together and act decisively to combat this threat. We underscore the need for close coordination on tracking source of terrorists, financing and targeting the hardware of terrorism, including weapons, supplies, ammunition, equipments and training. We also agreed that those who nurture, shelter, support and sponsor such forces of violence and terror are as much a threat to us as the terrorists themselves. ब्रिक्स सम्मेलन के डिक्लेरेशन में आतंकवाद को शामिल कराकर पीएम मोदी ने कूटनीति का सिक्सर मारा है। आइए आपको सुनाते हैं विदेश मामलों के जानकारों का क्या कहना है इस डिक्लेरेशन पर। प्राइम मिनिस्टर मोदी आई थिंक हैज अगेन ड्रॉन अटेंशन to the challenge of terrorism and the need for a certain political consensus, and the fact that he was addressing a forum that had the leaders of both Russia and China, apart of course from Brazil and South Africa, had a certain subtext. And I think there the reference to Pakistan, without naming it, he spoke about the fact, Mr. Modi spoke about one neighbor which has become quote unquote the mothership of support to terrorism. So I think in that sense, given the fact that there are certain protocols that we associate with summit level meetings, Prime Minister Modi has been consistent in drawing attention to the challenge of terrorism. Prime Minister sahab ne jo kaha hai wo based hai ki Pakistan mein se kya historical evolution hua hai aur sab deshon mein, khas karke dakshin asia ke jo desh hai, chahe Bangladesh ho, Afghanistan ho, aur even China bhi hai, Rus bhi hai, सब देशों को मालूम है कि किस तरीके से पाकिस्तान से उनके टेररिज्म के हाथ जुड़े हुए हैं। और ब्रिक्स के लिए आवश्यक है कि ये नई संस्था है, उसको आगे बढ़ना है, विश्व में एक बड़ा रोल प्ले करना है, और रशिया, चाइना, इंडिया, ये इसके जो एशियन पिवट के जो सब कर रहे हैं देश, उसके साथ में मिलकर चलना है। वहाँ पर स्टेबिलिटी लानी है, पीस लानी है, प्रॉस्पेरिटी लानी है। तो इस आवश्यक है कि उसके लिए जितने भी थ्रेट्स हैं, खासकर ये जो टेररिज्म का थ्रेट है, उसको खत्म करना है। चलिए गोवा चलते हैं, जहां मौजूद हैं जी मीडिया संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, लगातार ये बात हो रही थी कि जो अंतिम घोषणा पत्र होगा, गोवा घोषणा पत्र होगा, उसमें आतंकवाद को कितनी प्रमुखता दी जाएगी। एक जेनरिक सेंस में तो ये माना जा रहा था कि इसका जिक्र होगा, लेकिन जिस कड़े शब्दों का इस्तेमाल आज प्रधानमंत्री ने किया है, नाम लिए बगैर उन्होंने साफ तौर पर ये बता दिया है तमाम इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को कि पाकिस्तान जन्मस्थली है आतंकवाद की। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चीन को भी उन्होंने संदेश दिया है कि आतंकवाद पर दोहरी नीति किसी भी देश के लिए भारी पड़ेगी, ऐसे में सबको मिलकर लड़ना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल देखिए, चीन ने भले ही अपने जुबान से पाकिस्तान के लिए एक शब्द भी न बोला हो, लेकिन चीन की मौजूदगी में पाकिस्तान पर जिस शब्दों से प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा प्रहार किया है, वो अपने आप में इस पूरे ब्रिक्स सम्मेलन का कह सकते हैं कि एक पैमाना सेट करता है कि ब्रिक्स सम्मेलन टेरर और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर जिसको भारत लगातार इसको उठाता रहा, उस लिहाज से कितना सफल रहा है। तो कुल मिलाकर जो आतंकवाद का मामला है उसको पूरे ब्रिक्स के दौरान प्रधानमंत्री ने एकदम कह सकते हैं कि सबसे हाई लेवल पे रखा उसको। और आखिरकार जब गोवा डिक्लेरेशन साइन हुआ तो उसमें सबसे बड़ी बात की इस बात को साफ तौर पर ये किया कि जो सेलेक्टिव अप्रोच है चाइना का वो बिल्कुल नहीं चलेगा, और अगर इस तरह का कोई भी अप्रोच अगर चाइना दिखाता है तो उससे जो पूरे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है वो बेकार साबित हो सकती है, तो इसलिए इस तरह का सेलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगा। तो ये दोनों मैसेज साफ तौर से पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए भी है, और साथ ही साथ जिस तरह से आतंकवाद को लेकर जो टेरर फंडिंग की बात की गई, जिस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात की गई, कि इस तरह के जो देश हैं, जो इस तरह के जो सपोर्टर्स हैं, जो जनरेटर्स हैं, जो इसको पोसते हैं आतंकवाद को, उन तमाम अगर देशों पर कार्रवाई करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस पूरे रीजन में अगर कहीं से भी आतंकवाद होता है तो उसका कहीं ना कहीं जो तार है वो पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जो एक तरह से आतंकवाद की अम्मा या आतंकवाद की जननी, जिसको शब्द का प्रयोग किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मदरशिप ऑफ ऑल टेरर, ये एक बहुत ही कड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने यहां से दिया है, और इसी बात में ब्रिक्स सम्मेलन की कह सकते हैं कि सफलता छुपी हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे को, जिसको लेकर भारत लगातार आवाज उठाता रहा है और टेररिज्म के खिलाफ हमेशा से भारत हर देश को सपोर्ट करने की बात करता रहा है, यहां पर उन्होंने टेररिज्म को सबसे प्रायोरिटी पर रखे, और गोवा डिक्लेरेशन में भी सबसे पहली लाइन अगर आप देखें तो टेररिज्म पे थी। तो वो एक जो पूरा एक डिक्लेरेशन साइन हुआ है गोवा, वो अपने आप में एक बहुत ही माइलस्टोन है। बहुत शुक्रिया आलोक आपका इस जानकारी के लिए। तो कह सकते हैं भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है, और जो जिस डिक्लेरेशन में आतंकवाद और जिन शब्दों में भारत चाहता था उस तरह से उसको यहाँ पर रखा गया है, कह सकते हैं कि बड़ी जीत भारत के लिए। इसके अलावा भी तमाम बातें कही गई हैं, व्यापार बढ़ाने के लिए भी जो बात की गई है इसमें किस तरह से किया जाएगा वो तमाम जिक्र है, लेकिन जो फोकल पॉइंट था या जो कह सकते हैं कि एजेंडा में जो सबसे ऊपर था आतंकवाद, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी देश की समृद्धि के लिए आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है, तो उसको सेंट्रल स्टेज मिला है कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व विदेश राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मोदी के डिप्लोमेसी की तारीफ की है। Unfortunately, that is true, and I think the Prime Minister was right to bring it up in the BRICS forum. To what degree the other countries have echoed our concern is a matter for conjecture, because Brazil, even Russia and China, and certainly South Africa, don't have the same kind of problem. We are the one country in BRICS that is facing this difficulty. But I think what the Prime Minister was conveying through that statement and his other statement that the countries or the places that nurture and shelter and protect these terrorists are as big a threat to us as terrorists themselves, what he was trying to convey was very clearly that Pakistan has become an outlaw state as far as we are concerned. And I think he's going to use every international forum, BRICS is only one such forum, to drive home this point. इससे पहले पीएम मोदी ने बिजनेस काउंसिल को संबोधित किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर पीएम मोदी ने कहा कि हमने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है और व्यापार को लेकर रुकावटें दूर की हैं। साथ ही पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को भी जरूरी बताया। वहीं चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी जोखिम के दौर से गुजर रही है और ब्रिक्स देशों को अपने देश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। Are the strongest proponents for closer and faster commercial cooperation among BRICS. Their partnership creates wealth and value in our societies. Excellencies, in India, we have undertaken substantial reforms in the last 2 years to streamline and simplify governance, especially doing business in India. The results are clearly visible. We have transformed India
into one of the most open economies in the world today. रही आपको सुनवाते हैं ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल की बैठक में न्यू डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन केवी कामत और अपोलो टायर्स के चेयरमैन ओंकार सिंह कनवार ने क्या कहा. शंघाई आवर होस्ट सिटी हैज बीन एनॉर्मसली सपोर्टिव एट एन ऑपरेशनल लेवल. वी हैव अप्रूव्ड लोन्स इन ईच ऑफ आवर मेंबर कंट्रीज फॉर एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ $911 million एंड वी हैव सम मोर लोन्स इन द पाइपलाइन फॉर दिस करंट ईयर. दीज लोन्स have been in the area of renewable energy. Thus, we have begun the process of establishing our credentials as an institution that supports green and sustainable infrastructure. Our shareholders have brought in capital as scheduled, with three countries, Russia, China, and South Africa, having paid in the second year's capital in advance. In July, we successfully closed the first green bond issue in China for an amount of renminbi 3 billion or about $450 million. We believe that providing local currency financing for projects minimizes the currency risk and reduces the effective cost for our member countries. We will for that reason seek to mobilize funds in the markets and currencies of our member countries. In the coming year, in the first half, we plan to approach the local bond markets in India, maybe via an offshore route, and will thereafter seek to approach other local currency markets in our other member countries. We believe that the BRICS Business Council can effectively engage as an advisory council to the New Development Bank for enhancing private sector participation in the development projects. We have therefore also requested NDB to provide an observer status to the chairpersons of BRICS Business Council. The council also request that BRICS country should create a BRICS angel investor, angels network, which can help unlock the potential of talented young entrepreneurs across BRICS country, create an ecosystem of startup, thereby fostering entrepreneurship and promoting innovation. Agriculture and energy are the priority areas of cooperation of our economies. We have suggested sharing best practices in agriculture production, productivity, environment protection, water conservation, as well as food security. ब्रिक्स सम्मेलन में घोषणा पत्र जारी होने के बाद पीएम ने बिम्स्टेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की. आज रात पीएम मोदी ब्रिक्स और बिम्स्टेक समूहों के शासनाध्यक्षों और राष्ट्राध्यक्षों को लीला गोवा में राजकीय भोज भी देंगे. करीब 75 एकड़ में फैला रिजॉर्ट लीला गोवा मोम्बोर बीच पर स्थित है. रात्रि भोज में 250 से ज्यादा गणमान्य अतिथि हिस्सा लेंगे. इस दौरान भारत के मशहूर कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश करेंगे. बिम्स्टेक देशों को भी बुलाया गया है और ये कहीं ना कहीं इस पहल को इस रूप में देखा जा रहा है कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ा जाए और जो बे ऑफ बंगाल से जुड़े वो जो देश हैं उनको अपने साथ जोड़ा जाए और इसको प्रभाव के तौर पर भी देखा जा रहा है कि भारत अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है. सार्क के बाद बिम्स्टेक देशों को इसमें बुलाया गया है. इससे और भी लोगों का ध्यान गया है कि प्रधानमंत्री चाहते तो सार्क को भी बुला सकते थे लेकिन उन्होंने सार्क देशों की जगह बिम्स्टेक देशों को ब्रिक्स समिट के दौरान बुलाया है. और इससे पहले ब्रिक्स बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और भूटान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की. पीएम मोदी पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना और उसके बाद भूटान के पीएम शेरिंग तोपके से मिले. इन नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई. इस बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के अलावा अपने पड़ोसियों को साथ लाने में कामयाब रहा है.